नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने। और हिस्ट्री का हमारा नेक्स्ट वीडियो, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट शुरू हो रहा है। इस वीडियो से हम लोग कांग्रेस की स्थापना के विषय में पढ़ेंगे और इसी के साथ भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है, भारत का जो वास्तविक स्वतंत्रता संघर्ष है, जो कि तीन चरणों में देखा जाता है, खासतौर से 1885 से 1905, फिर 1905 से लेकर 1920 और उसके बाद 1947 तक, इन तीन चरणों का ये शुरुआती चरण है जिसमें कि हम लोग कांग्रेस की स्थापना पढ़ेंगे और उसका पहला अधिवेशन कैसा रहा, क्या परिस्थितियां बनी और किस तरह से कांग्रेस का वजूद जो हुआ भारत में, उसने भारत की स्वतंत्रता के लिए क्या आधारशिला रखी, क्या शुरुआत से ही कांग्रेस ने जो अचीव किया बाद में, क्या शुरुआत में ऐसा लगा, या कांग्रेस वास्तविक रूप से क्या वाकई में भारत की आजादी के लिए बनाई गई थी, इस पर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन नहीं दबाया, प्लीज दबा लीजिए। नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो बेल बटन नहीं दबाते हैं। तो अगर आप कंटिन्यूस वीडियो देखना चाहते हैं, बिकॉज ये चैनल कुछ इंपॉर्टेंट चैनल्स में है जो कंटिन्यूटी के साथ वीडियोज अपलोड करता है, तो आपके लिए आपको सब्सक्राइबरशिप दबानी पड़ेगी। इसके लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना होगा और बेल बटन दबाने से आपको सिर्फ ये बेनिफिट होगा कि आपको एक पिंग करके एक मैसेज आ जाता है कि हाँ कुछ एक्टिविटीज चैनल पे हुई है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और इससे पहले भी कुछ संगठन बने थे, अगर उसमें सत्येंद्रनाथ बैनर्जी के संगठन को छोड़ दे तो कोई संगठन बहुत ज्यादा उसमें मजबूत नहीं रह पाया था जिसमें कि बहुत बड़े वर्ग की भागीदारी रही हो। लेकिन 1885 में कांग्रेस की स्थापना ने एक बड़े वर्ग को आकर्षित किया और एक जो राजनीतिक वैक्यूम था भारत की राजनीति में, एक ब्रिटिश भारत के लेवल पे, उसको कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश की बाद में। वास्तविक रूप से जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय भारत में जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे, वो बिल्कुल इसके इच्छुक नहीं थे कि ऐसी कोई संस्था बने, लेकिन वो दबी बात में भी दबी जबान में बातों को ही बस विरोध कर पा रहे थे, रख नहीं पाए, क्योंकि उन्हें लगा भी नहीं कि शायद इसका विरोध करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अंडर एस्टिमेट किया गया। और इसकी स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, ह्यूम जिसको आप लोग जानते हैं, एक ब्रिटिश अधिकारी जो कि आयरलैंड जो देश है उससे संबंधित थे और आयरलैंड का खुद ही स्वाधीनता संघर्ष चल रहा था ब्रिटेन के साथ, तो वैसे भी वो ना मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के बड़े क्या कहते हैं फेवरेबल व्यक्ति थे, या फ्रीडम स्ट्रगल को वो सम्मान से देखते थे और उन्हें भी लगता था कि भारत में भी कुछ ऐसा एक मूवमेंट क्रिएट होना चाहिए जो अपने अधिकारों की बात करे, अपने समस्याओं को एड्रेस कर सके। इसके लिए उन्होंने एक विदेशी ने भारत में कांग्रेस की स्थापना की। अच्छा देखिए, कांग्रेस शब्द बार बार आ रहा है, कांग्रेस का मतलब क्या होता है? कांग्रेस का मतलब होता है कोई संगठन, है ना, कोई संगठन या कोई संगठन का एक समूह और उसका सम्मेलन, उसे कांग्रेस बोला जाता है, समझ गए? तो कांग्रेस बांदे पार्टी के नाम पड़ा, लेकिन कांग्रेस का मतलब शाब्दिक अर्थ एक संगठन के रूप में होता है। ठीक है, अब कुछ फैक्चुअल डिटेल में आते हैं। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई, 28 से 31 दिसंबर तक ये पहला अधिवेशन चला, जो कि बंबई के एक संस्कृत कॉलेज में हुआ। उस संस्कृत कॉलेज का नाम था गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय। 3 दिन तक ये अधिवेशन चला और पहले दिन 28 तारीख को ऑफिशियली बोला गया कि भारत में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम की एक संस्था बनाई गई है, जिसमें उस बैठक के दौरान 72 मेंबर्स ने बैठक में हिस्सा लिया था। मतलब कांग्रेस शुरुआत में 72 लोगों से शुरू हुई थी, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, और सबसे अधिक जो लोग थे वो बंबई प्रांत से थे। कहां से थे? बॉम्बे प्रोविंस से थे। इसके जो हेड थे इस कांग्रेस के अधिवेशन में, हर कोई ना कोई अध्यक्ष रहा है, तो पहले इस अधिवेशन में, जो स्थापना वाले अधिवेशन में, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे व्योमेश चंद बनर्जी, जिसको आप लोग डब्ल्यू सी बनर्जी भी बोलते हैं। हर लाइन में क्वेश्चन आता है पेपरों में, प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, इसकी स्थापना मैंने बताया एओ ह्यूम ने की। एओ ह्यूम भारतीय समस्याओं और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के प्रति बहुत नरम रुख रखते थे और जो लिबरल इंडियंस थे उनके साथ उनके बहुत अच्छे संबंध भी थे, जिसके कारण कई बार उन्हें अपनी सरकार का ही कोप भाजन भी बनना पड़ता था। लॉर्ड एंड एडनबर्ग, जिन्होंने उनकी जीवनी लिखी थी एओ ह्यूम की, उन्होंने भी एक ऐसी बातें बताई कि एओ ह्यूम का कितना ज्यादा
महत्व था कांग्रेस के लिए, या कांग्रेस जो सोच थी वो उन्हीं की थी, बिकॉज ब्रिटिश इंडिया की जो सोच थी, ब्रिटिश इंडिया ने सिर्फ इसलिए इसको कांग्रेस संगठन बनवाने में ढील दे दी कि चलो भारतीयों को अपनी बात कहने का कोई मौका मिल जाएगा, उनके अंदर कोई ब्रूज पैदा नहीं होगा, उनके अंदर मतलब कोई अंदर कोई विचारों का ना ज्वालामुखी नहीं बनेगा और जो गलत समय पर फट जाए, जैसे 1857 में हुआ। उस घटना को रोकने के लिए बस इन्होंने छोड़ दिया कि ठीक है इनको अपना एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, कुछ अपने बातें रख देंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। लेकिन ह्यूम इसके भविष्य को जानते थे, उन्हें जरूर लगा कि संगठन अगर विस्थापित रूप से चलेगा तो वाकई में मजबूत होगा, और इसीलिए इनको कांग्रेस का जनक भी बोला जाता है, कांग्रेस का पिता भी बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है किस देश के निवासी थे, जैसे ब्रिटेन में आयरलैंड के निवासी थे, इसीलिए इस आंदोलन में उन्होंने भूमिका निभाई। अब इसके महत्वपूर्ण सदस्य कौन कौन थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तेलंग, एस सुब्रमण्यम, एन जी चंद्रावरकर, बी राघवाचारी, ठीक है। क्या हो गया, बी राघवाचारी, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लोग थे उस समय के जो कि इस बैठक में हिस्सा लिए, क्योंकि पहला संगठन था, किसी को नहीं पता था ये कि अभूतपूर्व सफलता से मिलेगी, ये शुरुआती लोग थे जो कि कांग्रेस को लेकर चले। और देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य क्या थे, कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य मुख्य रूप से केंद्रित थे कि एक राजनीतिक ऐसा संगठन बनाया जाए, एक राजनीतिक ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे भारत में जो राजनीतिक वैक्यूम है भारतीयों के द्वारा, भारतीयों का कोई राजनीतिक ऐसा संगठन नहीं है जो वायसराय से या ब्रिटिश इंडिया के अधिकारियों से अपनी बातचीत रख सके या उन्हें उन पर प्रेशर दे सके। तो एक प्रकार से भारतीयों का पहला प्रेशर ग्रुप था, दबाव समूह था, जो कि अंग्रेजों पर दबाव बनाने के लिए एक प्रकार से तैयार हुआ। हाँ, उसमें दबाव बनाने के तरीके बड़े सीधे थे, उसमें अनुनय विनय करके और सीधे सीधे अपनी बातें रखनी थी, और जो उस समय कांग्रेस की मांगें थी वो प्रशासन में रह के या प्रशासन में अपनी भागीदारी बढ़ाने तक ही सीमित थी, उन्हें स्वराज या ऐसा कोई बड़ी चीजों का मतलब भी नहीं था, ना तो उन्होंने कम सोचा ही था। इसीलिए कांग्रेस की जब स्थापना हुई ना तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए। लाला लाजपत राय ने तो बोला कि बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि ये तो मतलब ना भारत की जो राष्ट्रवाद है उसको दबाने के लिए कांग्रेस भारतीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलेगी, यहाँ था। हाँ, एनी बेसेंट ने इसको सपोर्ट किया, बोला भाई ये ना हमारे अंदर मातृभूमि के प्रति प्रेम जागृत कर सकती है। ब्रिटिश इंडिया के जितने लेखक थे या ब्रिटिशर्स जितने लेखक थे ब्रिटिश मूल के, उन्होंने यही माना कि ये एक राजनीतिक संगठन जो कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा भारतीयों को, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं इसका रोल होने वाला है राजनीतिक राजनीति में पूरी तरह। अभी भी जो ब्रिटिश इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो वायसराय के इर्द गिर्द ही घूमेगी, उसकी काउंसिल के इर्द गिर्द घूमेगी और सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट की काउंसिल के इर्द गिर्द घूमेगी, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्लियर हो गया आपको, कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य मात्र भारतीयों की समस्याओं को ऊपरी स्तर तक पहुंचाना और ब्रिटिश इंडिया में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसमें कुछ सुधार के लिए सुझाव दे देना, दैट्स ऑल। अब एक क्वेश्चन आता है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या है, इसको बैडनबर्ग ने इस शब्द को उछाला था, बैडनबर्ग भी ब्रिटिश लेखक थे, उन्होंने बोला था कि ये कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वॉल्व की तरह है। मतलब क्या, अभय, मतलब आप देखते ना वॉल्व क्या लगा था, कोई प्रेशर रोकने के लिए, और जैसे प्रेशर जाता हो तो अगर आप वॉल्व को खोल देंगे, वॉल्व मतलब पानी चलाने वाला, जैसे देखते ना किसी चीज को रोका जाए, कहीं फ्लो रोका जाए, तो अगर वॉल्व खोल देंगे तो जो प्रेशर है वो निकल जाएगा, फिर प्रेशर नॉर्मल हो गया, फिर वॉल्व बंद कर दो। मतलब कि भारतीयों के अंदर जो भी कुंठा या जो भी घृणा या कटुता अगर ब्रिटिश के खिलाफ बनती है, उन्हें अगर हमने प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं दिया तो वो बड़े विद्रोह या किसी संघर्ष का रूप ना मिले, इसके लिए उन्हें प्लेटफॉर्म दे दो, है ना, वहां जाके उन्हें बातें कर दे, अपने मन का ग्रूज निकाल दे, अपने मन का जो द्वेष है निकाल दे और चीजें फिर सामान्य हो जाएंगी। इसे बोला गया सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, लॉर्ड डफरिन भी इसको यही मानता था और वो मतलब बिल्कुल ही पेसिमिस्ट था कांग्रेस की बढ़ोतरी को लेकर, क्योंकि उसे नहीं उम्मीद थी कांग्रेस में था कुछ सब कुछ तरीके से चलेगा, ठीक है। तो सेफ्टी वॉल थ्योरी क्लियर हो गया आपकी। इसके बाद पहले सम्मेलन में कांग्रेस ने 9 मांगे रखी, कितनी मांगे रखी, 9 मांगे, 9 डिमांड्स। वो 9 डिमांड्स हमको ये देखनी पड़ेगी, क्वेश्चन ये कितनी डिमांड्स थी, 9 डिमांड रखी। तो देखिए पहली डिमांड इनकी थी कि भारतीय शासन विधान के लिए रॉयल कमीशन की जांच की जाए, रॉयल कमीशन बनाया जाए और उसकी जांच हो, ठीक है ना। भारतीय मतलब क्या, सबसे पहले जब लेजिस्लेटिव चेंजेस और उसमें रिफॉर्म्स की बात की गई, उसके बाद इंडियन काउंसिल को समाप्त किया जाए जो ब्रिटेन में थी, सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट के पास जो इंडियन काउंसिल थी उसे समाप्त किया जाए, मतलब
भारतीय की भागीदारी भारत में बढ़ाई जाए, लंदन से डिसीजंस ना लिए जाए। सिविल सर्विसेज का आयोजन किया जाए भारत और इंग्लैंड दोनों में। अब उस समय तक इंग्लैंड में हो रहा था, मतलब एक बहुत ही एलीट क्लास ही परीक्षा देने जा पाता था। उसके बाद आयु इतनी कम कर दी गई थी, 19 साल कर दी गई थी सिविल सर्वेंट की, अब सोच सकते हो कितना कम है। उसको बढ़ा के 23 साल करने की मांग की कांग्रेस ने अपने पहले अधिवेशन की डिमांड्स में। नेक्स्ट था कि प्रांतीय एवं केंद्रीय व्यवस्थापिकाओं में जो प्रोविंशियल और जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसमें विस्तार किया जाए, उसमें एक्सपेंशन किया जाए और भारतीयों को भी इंक्लूड किया जाए। फिर सैन्य व्यय में कमी की जाए, सैन्य खर्चों में कमी करके और सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित की जाए सरकार की। सरकार को एक जिम्मेदार, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, उससे ना भाग पाए, समझ गए। डिफेंस एक्सपेंडिचर क्रिएट कर, अभी वर्तमान में भी परिस्थितियां तो यही है, डिफेंस एक्सपेंडिचर जिस स्टेट का बहुत ज्यादा होता है और अपने दूसरे तो कहीं ना कहीं दूसरे खर्चों से समझौता करता है, तो यही यहाँ पर भी हो रहा था, ठीक है। उसके बाद ब्रिटेन से आने वाला जो कपड़ा है या ब्रिटेन से आने वाले जो पदार्थ है वो इंडिया में टैक्स फ्री बिकते थे, जिसके कारण उनकी कॉस्टिंग सस्ती पड़ती थी और लोग विदेशी सामान ही खरीदते थे सस्ता होने के कारण। इससे भारतीय जो उद्योग जगत था चरमरा गया था, खत्म हो गया था। इस कारण के कांग्रेस ने बोला कि विदेशों से, खासतौर से ब्रिटेन से जो भी सामान इम्पोर्ट होकर इंडिया में आ रहा है, इंडिया जो उसको इम्पोर्ट कर रहा है, उस पर टैक्स जरूर लगाया जाए ताकि उसकी उसे गवर्नमेंट को इनकम भी हो और एक रीजनेबल प्राइस हो जाए उन चीजों का, ताकि जो भारत का जो स्वदेशी मार्केट है वो भी जिंदा रहे। नेक्स्ट है बर्मा को अलग किया जाए, क्योंकि बर्मा एक लायबिलिटी होता जा रहा था, तो भारतीयों ने बोला बर्मा को अलग कर दिया जाए, जो कि इन्होंने एनेक्स कर लिया था युद्ध के बाद। नेक्स्ट था जो भी प्रस्ताव है उनको सभी राजनीतिक संस्थाओं को भेजा जाए ताकि वो लोग अपना उसको उस पर अपना विचार विमर्श कर सके या अपने अपने जो रिकमेंडेशन है, अपने सुझाव है दे सके। इससे क्या था, मतलब पॉलिटिकल जो भागीदारी है उसको बढ़ाया जाए, आपको सबसे राय मशवरा किया जाए किसी भी मुद्दे पर, ठीक है ना, जिसे इंक्लूजन ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों का और एक आम सहमति के साथ काम हो सके। नेक्स्ट था कि अगला जो अधिवेशन है कांग्रेस का कोलकाता में हो। ये कुछ छोटा सा टॉपिक कांग्रेस की स्थापना, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1885 से लेकर 1900 के बीच में कांग्रेस में जितने मुख्य अधिवेशन हुए हैं उसमें क्या क्या हुआ वो करेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते हैं। थैंक यू सो मच।